दोस्तों स्वागत है आपका एक साक्षात्कार में, और आज हम जिनसे साक्षात्कार करने जा रहे हैं वो है डॉक्टर कुसुम खेमानी। जब कलकत्ता के या तो भारत के हम लोग साहित्य की बात करते हैं, कहानी की बात करते हैं, तो डॉक्टर कुसुम खेमानी किसी परिचय की मोहताज नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो हम लोग एक साक्षात्कार में आज जो लेने वाले हैं उनकी एक बहुत ही अच्छी कहानी है। वैसे तो उनकी हर एक कहानी कोई ना कोई अच्छा संदेश दे के जाती है, प्रेरणा देती है, एक उत्साह ऊर्जा और उष्मा देती है, और ऐसी एक कहानी हम लोग आज उनसे साझा करेंगे। वह है सच का आईना। जो दलित वर्ग की महिलाएं हैं वो कैसे सच का आईना दिखाती है आज के जो अभी के जो वातावरण है उसके अनुरूप, ये एक बहुत ही अच्छा मैसेज देती है। तो मैं जानना चाहूँगा मैम आपसे कि इस कहानी को लेके आपके मन में ये लिखने की कैसे प्रेरणा जाएगी। एक कोने में अपनी माँ के साथ खाना खाते ही चुटकियों में गायब हो जाती। हम सारे बच्चे इस हैरत में पड़े रहते कि आखिर ये लड़की भूत की तरह गायब कहाँ हो जाती है। इस कौतूहल के साथ ही हमें उसकी आंखों की चमक भी बहुत अच्छी लगती थी, पर जब कभी हम उसे पकड़कर उसे कुछ बातें करना चाहते या उसका गाल मचोड़ना चाहते तो हमारी गिरफ्त से यूं छुट भागती जैसे बिल्ली का छोटा बच्चा। इसके लिए लुका छिपे के कारण उसके लिए हमारी आतुरता सातवें आसमान को छू रही थी। पर वह बंदी किसी भी तरह हमारी पकड़ में ही नहीं आती थी। तंग आकर हमने एक दिन मंगली को घेर कर कहा, मासी तुम्हारा और तुम्हारी बेटी का नाम क्या है, और जब तुम सारे दिन यहाँ सफाई करती रहती हो तो तुम्हारी बेटी कहाँ गायब हो जाती है। हमारी बात सुलभ प्रश्नों से मंगली के चेहरे का रंग उड़ गया, पर हमारी प्रश्नातुर आंखों का जवाब देना भी जरूरी था, इसलिए उसने गला खंखा कर अपने को संभाला और बात को घुमा फिरा कर उत्तर दिया, अभी भी हमारा नाम मंगली है और उसका नाम ललिता। मंगली यह कैसा नाम है, मैंने पूछा। हाँ बेबी, वो ना हम मंगल के रोज पैदा हुए थे ना, वो ही खाती माँ हमारा नाम मंगली धर दी। तो तुम्हारी बेटी ललिता का नाम किसने रखा। ओहो, हमारे एक ही बेटी होने के कारण हमारा आदमी बड़ा मोहब्बत से ही नाम रखा है। मंगली की बातों की भूलभुलैया में हम उस वक्त अपना असली प्रश्न ही भूल गए। कई दिनों बाद जब हमें पता चला कि क्लब की पियोन को अपनी बच्ची साथ लाने के जुर्म में अनुशासन भंग का नोटिस देकर निकाल दिया गया है, तब लगा हमारे उस भुल्ले ने हमें एक बड़े पाप से बचा लिया था। समय तेज गति से आगे बढ़ रहा था और उसके साथ चलते हम स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, लंदन, US आदि से बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल कर ऊंचे ऊंचे ओहदों की शोभा बढ़ाने लगे, लेकिन अपनी दुनिया में व्यस्त होते हुए भी हमारा ग्रुप रोज शाम को तैराकी के बाद पूल के बरामदे में बैठकर चाय के प्यालों पर गप्पे जरूर बांटता था। सारे दिन की उठा पटक के बाद हमारा यह बैठका हमारे लिए एक कैथेसिस अर्थात भाव शांति का काम करता था और हम सब वापस तरोताजा हो जाते थे। ऐसी एक शाम को छिन छिन टिन टिन कनकन किंकिणी नुपुर ध्वनि सा संगीत हम सबके कानों में बजा, जिसे सुनते ही गायिका माधवी बोल पड़ी, वाह आज तो यह जौनपुरी राग की सुंदर बंदिश पायल के झंकार बैरनिया गुज रही है। तभी इस ध्वनि से खिंची हमारी आंखों ने एक अपूर्व दृश्य देखा। करोड़ों के इंश्योरेंस पर पेरिस से लौट कर आई दीदारगंज की यक्षी म्यूजियम की जगह हमारे सामने आकर खड़ी हो गई थी। देही यष्टी की वही तिरछी भंगिमा, बालिश्त भर कटी पर झूलती पतली सी करधनी, पीठ के बीचों बीच रीढ़ की हड्डी के गले गड्ढे पर लटकती खजूरी नमूने की काली मोटी जब्बेदार चोटी, वक्षस्थल और नितंब मिस इंडिया की कसौटी पर कसे हुए और आंखें
माशाल्लाह, ऐसी चमकदार और साफ शफाफ के बीच का काला कोया कौवे से भी काला लगे। आसपास की सफेदी ऐसी सफेद कि चमकती चांदी भी उसके सामने फीकी। गेहूं रंग में लुनाई का सांवलापन, त्वचा ऐसी कि कालिदास की शकुंतला का लावण्य भी उसके आगे पानी भरे। जब अपने प्रेमी क्षेत्रों की दिग्गजा हम सब उस सौंदर्य मूर्ति को देख निर्वाक थी, तभी खनकती हंसी के साथ आवाज आई, मेम साहब हम ललिता हैं, पहचाने नहीं काम का। उसके चेहरे के भावों से पुरानी जान पहचान की आत्मीयता झलक रही थी, इसलिए उसकी बात सुनते ही हमारे मुंह से बेसाख्ता निकला, क्या सच में तू वही मंगली की बेटी छुटकी हो? फालतू बात। हाँ मेम साहब, कुछ सोचते हम वही ललिता हैं, माँ का टिफिन दिए वास्ते आए हैं। इतना कहकर ललिता रानी शरीर को कभी दाएं कभी बाएं मटकाती भीतर चली गई। हम अचरज से उसकी तरफ देखे जा रहे थे कि चैताली की यह टिप्पणी, अरे भाई कैटरपिलर से तो तितली बनती है, तो इसमें इतने अचरज की क्या बात है, हमें वापस अपने वर्तमान में ले आए। हम लोगों ने अपनी झेप मिटाने के लिए उसकी पीठ को जोर से थपकर कहा, धन्यवाद ज्ञानी जी, धन्यवाद। पर शायद ललिता ने हमें चौंकाते रहने की कसम खा ली थी। अचानक एक दिन वह जरदोजी के काम की लहंगा साड़ी, कानों में लंबे लंबे बुंदे, चौड़े बिहारी सिंदूर भरी मांग पर अर्ध चंद्राकार टीका, नाक में लालड़ी, लटकती बड़ी सी नथ, हाथों में कोहनी तक का लाल चूड़ा, कमर पर चौड़ी करघनी, पैरों में छोटे छोटे घुंघरू की पाजे पहनी आई, हम सबके पैर छूने लगी। उसके साथ खड़ी मंगली ने कहा, आप लोगन का आशीष से एकरा विवाह एक बहुत जेंटलमैन के साथ हुई गया है। वो तो हमरी ही जात का, पर कोनो बड़ा कंपनी में अफसर है। मेम साहब एकरा हम करम जली कहत रही, पर ये तो भागवती निकली। जब हम लोगों ने उसके हाथ में भेंट स्वरूप कुछ रुपए रखे तो वह चिड़क कर पीछे हट गई और कहने लगी, मेम साहब भगवान का दिया सब कुछ है, बस आप सब लोगों की आशीष ही काफी है। अंत में मंगली के समझाने पर उसने हमारी भेंट स्वीकार तो कर ली, पर उसकी वजह से हमें इतने बार प्रणाम किया कि हम सब उसकी अत्यधिक विनम्रता के कारण संकोच में भर गए। हमने मंगली से कहा, मंगली तुमने बेटी को बहुत अच्छे संस्कार दिए, ये जरूर ही सुखी होगी, लेकिन विधाता की बेमाता क्या कभी इसी आशीर्वाद को तवज्जो देती है? समय खुद के साथ हमें खर्च करता जा रहा था और हम युवावस्था की सीढ़ी पार कर प्रौढ़ावस्था की दहलीज पर आ खड़े हुए थे। तभी एक दिन पुल पर मंगली का पैर फिसला कि उसके कुल्हे की हड्डी टूट गई। कई ऑपरेशनों के बाद भी मंगली की हालत नहीं सुधरी और वो चल बसी। हम सब मान बैठे थे कि ललिता के तोड़ने का सवाल ही नहीं उठता है, इसलिए जब हमने फेंटा कसे जोड़ों से झाड़ू मारती मालती को देखा तो आश्चर्यचकित रह गए। खुर्दबीनी करने पर पता चला कि उसके इश्कबाज पति ने एक नहीं कई ललिताओं का उपभोग करना शुरू कर दिया था और रंगीनी बढ़ाने के लिए हर वक्त शराब में डूबा रहता था। ऑफिस से निकाल दिए जाने के बाद एक दिन किसी लाल बत्ती वाली गली में सिर के बल गिर जाने के कारण उसे पालिस भी मार गया। इतना ही नहीं, उसने ललिता के सिर पर एक 16 वर्ष की बेटी को पालने का बोझ भी डाल दिया है। 16 वर्ष का बेटा, पर यह तो वैसी की वैसी कच्ची गली कुमारी सी लग रही है। आखिर ये इतना रस, इतनी प्राणवायु कौन सी धरती और आकाश से खींचती है, इसका पता हमें नहीं है। और उस दिन हमारी महफिल की चर्चित नायिका ललिता देवी ही रही। हमारी आशा की विपरीत ललिता सफाई का काम अपनी माँ से 100 गुना बेहतर करती थी। ऊपर से वह खुद भी इतनी साफ सुथरी और सजी सवरी रहती थी कि हमारे बीच उसकी उपस्थिति बिल्कुल ऊपरी नहीं लगती थी। कुछ एक साल बाद अचानक एक दिन जब ललिता की छाती फूट कर रोते हुए
दहाड़ों की आवाज़ आई तो हमारी नियमित तैराकी मंडली सनाका खा गई और हम सब पानी से निकलकर उसे घेर कर खड़े हो गए। उसका रोना मंद्र मध्यम की तो वक़्त ही क्या, तार सप्तक के भी सबसे ऊंचे पर्दे को छूता हुआ हमारे उस 150 वर्ष पुराने खंडहर क्लब की दीवारों को हिला रहा था। ललिता का ऐसा बुरा हाल देख छन्ना ने आगे बढ़कर जब उसे दर्शन शास्त्र के हवाले से थोड़ी दिलासा देने की कोशिश की तो उस इकारी देधारी ललिता ने उसे ऐसा झटका दिया कि वह बेचारी गिरते गिरते बची। उसके पड़पड़ाए होंठ, सूजी लाल आंखें और थरथराता शरीर, उसके जिस दर्द को अभिव्यक्त कर रहे थे उसकी पूरी जानकारी हमें ललिता की अंतरंग सखी पूर्णिमा आया ने दी। उसने बताया, मैम साहब थोड़ी देर पहले इसके 16 साल के इकलौते लड़के का भारी एक्सीडेंट हो गया है और उसकी हालत अब तब है, इसलिए ये इतनी बेहाल हो रही है। इसी बीच हमारे दल की कम आकलन उर्मी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, ललिता हमको अच्छा से याद है कि 2 वर्ष आगे तुम्हारा हस्बैंड का भी हालत बहुत खराब हुआ था, पर तुम तब तो ऐसा माफी अपसेट नहीं हुआ था भाई। उर्मी के वाक्य के बीच में ही ललिता ने चित्कार के साथ कहा, मेहन साहब वो हमारा भटा रहा, पर ये तो हमारे पेट का जाया, हमारे खून मांस से बना, हमारे कलेजे का टुकड़ा है। मेहन साहब सच कहते यदि ओकरा कुछ होएगा बना तो हम यही पोखर में डूब के मर जाएं। इतना कहकर वह फिर उसी तरह छाती पर दोहत्थर मारती हुई बिलखने लगी। सच तो ये है कि आज की इस दर्दनाक घटना को परे सरका कर यदि हम ईमानदारी से ललिता के विषय में बात करें तो हकीकत ये है कि हम सब ललिता को उसके पीठ पीछे व्यंग से छम्मक छल्लो कहकर संबोधित करते थे। वैसे इसकी वजह कुछ भी थी, पहली तो ये कि उसकी लुनाई लिए मक्खन सी त्वचा, दूसरी A1 फिगर, पर उसका चटका मटका, तीसरी चेहरे और देह पर अनाप शनाप सजावटें, और चौथी गोटा लंबी लगी ऐसी ऐसी जरी की साड़ियां कि हम पैसे वाले बंगालन भी उन्हें पहनने को तरसे। हम सब अक्सर चाय की मेज पर मूंद में मूंद मिलाए जिक्र करती हुई कि ये बंदी आखिर इतना सब जुगाड़ थी कैसे। कभी कभार तो हम में से एक आध आगे बढ़कर उससे पूछ भी लेती, ए ललिता तेरी साड़ी तो बड़ी सुंदर है, कितने में लाई है? और वो बेधड़क उत्तर देती, 500, 800, 1500। उसके फेंक कर दिए गए जवाबों से हम बिना सोचे समझे और तुरंत इस नतीजे पर पहुंच जाते कि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सभी दिशाओं में जन जन को बहलाती रिझाती ये देवी जरूर क्लब के कुछ आगे जाकर पड़ा अंधेरी गली की मोड़ पर खड़ी हो जाती होगी, जहां गाड़ी वाले मालिक या ड्राइवर दोनों में से कोई ना कोई उसे गाड़ी में बैठाकर तन की रसतृप्ति हो जाने के बाद इसे रुपए पकड़ा देते होंगे। इन कयासों की पृष्ठभूमि के बावजूद हम उसके व्यवहार और काम के कायल थे और इस संकट की घड़ी में उसकी मदद करना चाहते थे। अभी हम उसके बालों और फिर पर हाथ फेर ही रहे थे कि क्लब के एक बड़ी तैराक डॉक्टर ने शुभ्रा मांग गई और बिना पुरानी बातों की जानकारी के उन्होंने उर्मी के भाव वाली बात को ही कुछ शालीनता से दोहरा दिया। अब क्या था, ललिता घायल नागिन सी छटपटा कर उठी और अपने दोनों हाथ को झटक झटक कर अपने चंडी रूप में रौद्र काली का अवतरण कराती हुई ऐसे बोल बोली जो हम लोगों के लिए डूब मरने लायक थे। ललिता वाच, हम सब जानी थे आप सब हमारे बारे में का सोचते हैं और हमको वो से कोनो परेशानी भी ना है। हमरा बता जब तक कमाई रहा तब भी दारू और रंडी के चक्कर में रहा और अब तो वो बरसों बरस से लकवा में पड़ा है, ओकरा दवा दारू घर भाड़ा और ये बच्चे के बड़ा करे के जिम्मा अब हमरा है। मैम साहब हम सब जबन कुछ करत हैं मजबूरी माँ करत हैं, पर जब आप सब हमरा घाव खुरच ही दिए हैं तो हमारा मन की बात भी सुन लें।
आप मेम साहब लोग रोज संजा को क्लब में बैठकर गैर मर्द के साथ ये जो शराब पिए थे हाँ यही ठीक ठीक कर रहे थे ओकरा का हंसी ठिठोली के साथ कमर में कांट बी रूड यू कांट बी रूड ओके हाँ दर्द से बोल रही है ओके हंसी ठिठोली के साथ ही साथ कमर में हाथ डालकर थोड़ा चकान घूमत फिरत कौन कब कोना कमरे में जाकर बंद हो जाते हैं वो सब खबर है हमका आप सब लोग ना खूब होशियारी से इस सब किस्सा को ढाक के रखते हैं पर हम गरीबन के एक मिनट में विषय बना देते हैं। आश्चर्यजनक बात यह थी कि हम सब महाघमंडी और इतरैल सहेलियां बिना किसी प्रतिरोध के उसकी बातों को सुने जा रही थी और सबको ऐसा लग रहा था जैसे उस सड़क शाप ने ऊंचे महलों के बाशिंदों को सरेआम नग्न कर दिया है। इसके बरक्स मुझे याद आ रहा था 6 दशक पहले अमेरिका में जब एक वैज्ञानिक ने उच्च वर्गीय महिलाओं की गोष्ठी में घोषणा की थी कि अमेरिका की अधिकांश महिलाएं विवाह के समय कुंवारी नहीं होती तो सभा में कोहराम मच गया था और सारी स्त्रियों ने एक स्वर में कहा था कि शायद वैज्ञानिक महोदय उन निम्न वर्ग की स्त्रियों की बात कर रहे हैं। इस पर उन्होंने शांत स्वर में उत्तर दिया था, विज्ञान की दृष्टि में कोई भी निम्न या उच्च नहीं होता। और लेकिन काल के चक्र में कभी किसी दलित शूद्र में भी इतनी हिम्मत आ जाती है कि उच्च वर्ण ने अभिजाति वर्ग को सच का आईना दिखाती है। तो ये थी कहानी सच का आईना, लेखिका कुसुम खेमारी। आप लोगों ने इस कहानी को सुना है? कहानी बड़ी साधारण रूप से चल रही है। आप लोगों को लग रहा होगा ना कि घर में तो इस तरह की घटनाएं होती हैं, इस तरह की बातचीत होती है, इसमें नयापन क्या था? इससे रोज आप भी रूबरू हो रहे हैं, लेकिन उस बारीकी की तरफ आपको हमारे जैसे लोगों का ध्यान नहीं जाता जहां पर एक संवेदनशील लेखिका का ध्यान चला जाता है। और इन्होंने जो अंत में वो वैज्ञानिक की बात कही कि वो कुंवारी नहीं रहती और ये बता रही है कि आप लोग जो करते हैं तो आप तो बड़े लोग हैं, कुछ भी कर सकते हैं, छोटे लोगों का हम लोग तुरंत उनके चरित्र का हनन कितनी आसानी से कर देते हैं। सीधा अक्सर बातचीत में मिलता ना, अरे ये लोग तो ऐसे ही होते हैं, अरे ये लोग तो छोटे जात के लोग ऐसे ही होते हैं, और हम अपने बारे में भूल जाते हैं। बहुत अच्छी कहानी है ये भी, बहुत अच्छी कहानी, बहुत अच्छी कहानी। ये घटनाएं रोज घटती है हमारे जीवन में। वही कहती रोज, जब मैं यहाँ आ रही थी तो एक गाड़ी के चारों तरफ जमघट लगा हुआ था। हमारे नीचे एक भिखमंगा भिखमंगी रहते हैं और उस भिखमंगे की पत्नी बहुत दुबली सी खूबसूरत है, उसको लेके बहुत जोर से झगड़ा हो रहा था। तो मैंने पार्किंग वाले को पूछा क्या झगड़ा हो रहा है, तो उसने कहा ये औरत कह रही है कि इस गाड़ी में जो प्रौढ़ व्यक्ति है उसने इसको आँख मारी और उसके घर की औरतें उसको डांट लगा रही हैं। मैंने कहा कि वो इसमें मुझे शक है क्योंकि गरीब की औरत सबकी जोड़ू होती है, ये सच हमारे समाज में व्याप्त है। आप लोगों ने कहानी भी सुनी और ये भी सुना, तो आप लोग प्रश्न करें क्योंकि आपके सामने आपके लिए ये सौभाग्य की बात है कि आज आप दूसरी कक्षा में एक लेखिका से रूबरू हैं। तो आप सवाल करें और आप कुछ भी जानना चाहती हैं, कुछ भी आपके मन में कुछ बात ऐसी आ रही हो, उठ रही हो इस कहानी से जुड़ी हुई या इस कहानी से अलग हटकर अपनी कोई बात आपके मन में आ रही हो तो आप इनके साथ करें, या आपका कोई अनुभव हो, कोई अनुभव आपने ऐसा महसूस किया हो जी, या आपने अभी मन मन में सोचा होगा कि हमें भी ध्यान देना चाहिए। जब वो सवाल कर रहे हो तो थोड़ा सा कैमरा वहाँ पे इनकी तरफ घुमा लीजिए, बस ठीक है। आप धन्यवाद बहुत, आप सोचिएगा, अभी कर रहे ना, करने दीजिए एक दो सवाल। अच्छा ठीक है, करने तो सवाल बहुत अच्छी बात है, करें।
हम तो हिचकते हैं। जीवन में अपने प्रति हमेशा सच्चे रहो। जैसे कि आभारी मैं अपने मैं समझ नहीं पाती हूँ कि मेरे ये आग्रह क्यों है। ये शायद मेरे माँ बाप की देन हो या किसी भी कोई भी वजह होगी, पर मैं सच बोलने से हिचकिचाती नहीं हूँ। और इसके कारण मुझे बहुत बार बहुत डांट भी खानी पड़ी है। मेरे हाथ से बहुत अच्छी सुविधाएं, पुरस्कार सब निकल भी गए, लेकिन क्या हुआ? मैं क्यों समझौता करूँ? मैं क्यों गलत बात कहूँ? अगर मुझे लगता है कि अमृत कन्याएं हैं, तो कोई भी अगर कहेगा कि नहीं हमारा घर उसने तबाह कर दिया, तो मैं कहूँगी आप उसकी जड़ में जाइए। उसकी जड़ में आपका पति है, वो लड़की नहीं है। आप तो खैर मनाइए कि उस वेश्या ने आपके घर को बचा दिया, या उस यौन कर्मी की वजह से आप लोग तबाह नहीं हुए। ये सच बात है, क्योंकि हम आमतौर पे अपने घर पर वेश्याओं को लेकर बातचीत करना भी गुनाह और अपराध समझते हैं। हाँ, मैं जब जाती थी वहाँ ये करने, तो मेरी जो छोटी बहू है वो थोड़ी अपने को आपको मूल्यों और संस्कारों वाली मानती है, हालांकि मैं उसे ऑर्थोडॉक्स मानती हूँ, तो इतनी नाराज हो जाती थी कि क्या आप सोनागाछी पर किताब लिख रही हैं, तो उसका मतलब ये कि आप हर हफ्ते दो बार जाएंगी, अपने और भी दो उपन्यास लिखें, तब तो आप ऐसे नहीं गई। अब आपको, मैंने कहा नहीं, वहाँ जाए बिना सच्चाई का पता नहीं लगता है, और सच वहाँ जाए बिना सच्चाई का पता नहीं चलता है। वहाँ जाए बिना पता नहीं चलता है कि कैसे ये लोग वहाँ बच्चियों का अपहरण करके उनके अंदर गुप्त अंगों में 16 के गोलियाँ डालकर उस पर पानी डालते रहते हैं और उन्हें असमय उतार देते हैं इस तरह के कामों में। वहाँ जाकर जाए बिना इस दर्द को आप जान नहीं सकते हैं, रूबरू होना पड़ता है। और आप यकीन मानिए, इसमें उपन्यास की कोई भी घटना नकली नहीं है, और ना कोई, हाँ भाषा में पेशदार या रस मैंने उपन्यास की दृष्टि से डाला है, थोड़े से प्रिय प्रसंग भी डाले हैं उसके आसपास घटित भी में है, लेकिन मूलतः ये मैंने सारे तथ्य ही दिए हैं। और मैं आभारी हूँ मेरे पब्लिशर की, क्योंकि उन्होंने लिख दिया है उपन्यास के शुरू में कि तथ्य पर उपन्यास। मैं आप लोगों को बताऊँ, मैंने इनकी 3 कहानियों का मंचन किया है। एक कहानी जो मुझे ज़्यादा प्रिय है, क्योंकि वो जहाँ पर प्रेम की बात है वो एक अलग दृष्टिकोण सी है, एक अचंभा प्रेम। हम जब भी प्रेम की बात करते हैं तो प्रेम के रूप में हमारे सामने एक स्त्री आती है, बस प्रेम खाली स्त्री कर सकती है। स्त्री की तरह सच्चा प्रेम पुरुष कर ही नहीं सकता, ये हमारी एक सामान्य धारणा है। एक अचंभा प्रेम मेरी प्रिय कहानी में से एक है, जहाँ पर एक ऐसी लड़की है जो उसका पति उसे इतना प्रेम करता है, उसे बीमारी होती है, बड़ी बीमारी हो जाती है, पत्नी को उसकी रात दिन सेवा करता है, और पत्नी मालूम है कि पत्नी नहीं बचेगी, लेकिन जिस पल पत्नी की मृत्यु होती है ठीक उसी पल उसी प्रेम में उसके पति की मृत्यु हो जाती है, और इसीलिए प्रेम अचंभा प्रेम है। अद्भुत कहानी। तो दरअसल प्रेम को समझने के लिए, स्त्री को समझने के लिए, अंदर के मनोभावों को समझने के लिए भी ये जरूरी हो जाता है कि आप कुसुम खेमानी को पढ़ें।
कुसुम खेमानी को पढ़ने का मतलब है कि आप जिंदगी को पढ़ रहे हैं। ये अभी जो कहानी मुझे हवाला दे रही है, बातचीत चल रही है, तो परसों मुझसे वो मांग के ले गए हैं सिख नारी मंच के नरेंद्र जी, वो उसका पंजाबी में अनुवाद करके मंचन करेंगे। बहुत आपको पसंद है, उन्होंने पहले किया था निर्वासितों का निर्वासन। अच्छा, ये भी मेरे प्रिय कहानी में से है, मैंने आपकी सारी कहानी पढ़ी है। तो उसका बहुत अच्छा उन्होंने मंचन किया, और निर्वासितों का निर्वासन का तो मैंने कहानी पाठ तो किया है। हाँ, जो कक्षा भारतीय भाषा परिषद में जो चलती है अभिनत्मक पाठ, तो उसमें मैंने इसका पाठ मैंने खुद किया, मंचन भी किया उसमें। उन्होंने एक छेपक लगाया जो और भी बढ़िया था, उसमें वो अंत में वो महिला खड़ी होकर और एकदम धारा प्रवाह गुरु ग्रंथ साहब की उक्तियां बोलकर और ये कहती है कि ऐसे बच्चों से तो बांझ होना मुझे ज़्यादा स्वीकार है। वो उन्होंने उसमें मेरी उससे लेकर अनुमति और एक छेपक दिया था, और जिस महिला ने ये एक्टिंग की थी वो महिला रो पड़ी ये बात कहकर। बहुत अच्छा अभिनय किया था उन्होंने, और कहानी भी वैसी है, अद्भुत कहानी है। पढ़िए आपको कहानी, लाइब्रेरी में किताब आपको मिलेगी, पढ़िए। आप लोग को मेरी जो भी कहानी पढ़नी हो आप लोग लिख दीजिए, आप लोग को सब ईमेल पे मिल जाएगी। और वैसे वो भी राजकमल से प्रकाशित है, नीचे भी उपलब्ध है, और नहीं तो हम भी हम लोग भेज देंगे आपको, आप चाहेंगे ये सब प्रकाशित कहानी। आज का सत्र यही समाप्त होता है।